अब खबर राजनीति की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो वो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए, किसानों से झूठे वादे कर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र हैं, वे हमेशा किसानों के हित में कार्य करते हैं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के बासमती चावल पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ क्यों नहीं पंजाब की सरकार से बात करते, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। किसानों से झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई और कर्ज भी माफ नहीं किया। शिवराज किसान पुत्र हैं और वे हमेशा किसानों के हित में काम करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया। किसानों के हित में निरंतर निर्णय लेने के कारण ही प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला। भाजपा ने राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370 हटाने का वादा, एक राष्ट्र एक संविधान का वादा भी पूरा किया। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है। पर कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है, उस पर कमलनाथ मौन क्यों? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार इनने मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया, और अब हालात ये कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे। तो आज देखिए आप, कश्मीर में का भारत का झंडा एक है, आज देखिए कश्मीर का भारत का संविधान एक है। न दो प्रधान है, न दो निशान है, न दो विधान है। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर का निर्माण चालू हो गया। हमने कहा था 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है। नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब कह रही है कि उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, लेकिन उनके नेताओं ने राम मंदिर को काल्पनिक तक बताया। कपिल सिब्बल जैसे वकील ने मंदिर निर्माण न होने के लिए कोर्ट में केस लड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा से चाह रही है कि पूरा का पूरा देश राममय हो जाए। कांग्रेस भी अब राम को मानने लगी है। उनके सारे वकील कपिल सिब्बल से लेके विवेक तनखा जी तक सारे के सारे लोग राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़े हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि नहीं लड़े हैं, सारे रिकॉर्ड पे हैं। और वो उनकी सरकार केंद्र की और तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा दिया, कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं है। ये उनने कहा। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे इस बात को कह सकते हैं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।